अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम सुबह सुबह उठ चुके हैं, अब फ्रेश हो रहे हैं। आज मौसम भी आपको दिखाते हैं। मौसम साफ है, धूप निकली हुई है। घर वाले तो इस टाइम सारे सो रहे हैं, तो हम देखेंगे बाहर से कोई नाश्ता करेंगे। ठंडी ठंडी सुबह, और आज है कल्टस का डे टू, और कल हमने ऑयल वगैरह चेंज करवा लिया था, और आज इसकी वायरिंग का है सिस्टम करना, क्योंकि इसकी वायरिंग में इशू है, जिसकी वजह से जो है मीटर में चेक इंजन लाइट शो करवा रहा है, उसके अलावा कोई भी ऑयल की और बैटरी की किसी चीज़ की कोई लाइट नहीं शो करवा रहा, तो लाइट शो नहीं करवा रहा। तो आज हम जाएंगे उस्ताद नदीम के पास, उनसे टाइम लिया हुआ है, और आज गाड़ी का जो भी है वायरिंग से रिलेटेड काम करवाएंगे, उसकी वायरिंग जो है वो जो भी एक्स्ट्रा है वो उसकी सेटिंग करवा के, इसको कटवा के बिल्कुल ओके करवा देंगे। तो आज का बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग जो है इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। गाड़ी की चाबी उठाते हैं। चाबी स्टार्ट करियो, चाबी मारियो, चेक इंजन। बिलाल भाई, ये जो इसमें चेक लाइट आ रही है इंजन की, ये किस वजह से आ रही है, कुछ आपको पता है? करेंगे इंजन के सेंसर वगैरह, कोई मसला है क्या है? अच्छा, ये स्लो में जो है वो मतलब वो भी कर रही है अपना, स्लो में जो ना झटके दे रही है। हाँ, झटके दे रही है। सेंसर लगाएंगे, चेक करेंगे। अच्छा, अभी बिलाल भाई ये चेक करने लगे हैं, इंशाल्लाह ताला। मसला ये है कि इसमें जो चेक इंजन लाइट शो करवा रहा है, तो उसका पता नहीं चल रहा था, तो इन्होंने अपना कंप्यूटर वाला सिस्टम लगाने की कोशिश की, तो वो भी डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो फिर बिलाल भाई ने इसके साथ कोई वायरिंग जो है इसको डायरेक्ट अटैच किया है, ये क्या किया है, तो उसके बाद वो सेट हो गया था, तो वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। ये अभी कंप्यूटर लगा रहे हैं इसमें, और चेक करेंगे अभी इसमें क्या मसला है, किस वजह से चल रही है। इसकी वायरिंग भी बहुत आउट हुई पड़ी है बिलाल भाई। स्कैनिंग नहीं कर रही है, तो बिलाल भाई कह रहे हैं अभी इसको चेक करते हैं खोल कर, क्या मसला है या क्या मसला हो सकता है। इसे देख के करंट चेक करेंगे इसको। जल्दी चाय डाल। फोन कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा। बिलाल भाई हमारे तो आखिरकार ये स्कैन हो ही गया बिलाल भाई, ऐसे ही है। अमूमन बिलाल भाई, वैसे इसमें क्या मसला आता है जब ये चेक लाइट देती है, थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? वायरिंग में क्यों आ जाता है ये जो वायरिंग, कहीं से काट देते हैं, कहीं से कुछ कर देते हैं, या लग जाता है फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये डिवाइस आप बताएंगे क्या इशू है। ये फिर जो नॉकिंग वॉकिंग कर रही है, सब खत्म हो जाएगा इसमें।
बिलाल भाई बोनट की तरफ आ गए हैं और अब बोनट खोल रहे हैं, देखते हैं। अब बोनट की तरफ आ गए हैं, और फाइनली हमारी इंजन की चेक लाइट बंद हो चुकी है। कार्बन आ रहा है, इस वजह से आ गया था। बस यही था तो भाई, ये इतना सा मसला था कि कभी भी आपकी गाड़ी में इंजन की चेक लाइट आई है तो बिलाल भाई कह रहे हैं कि ज़्यादातर जंग की वजह से भी हो जाता है, या नमी की वजह से, या कोई तार वायरिंग वगैरह कटिंग की हो तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और फाइनली ये बिलाल भाई ने जो है ये सॉल्व कर दिया इशू। तो अब आपको हम दिखाते हैं। सर, इसका क्या क्या किया आपने? अभी भाई ने इसका इंडिकेटर बनाया है। जी जी, सही है। अभी इसकी जो वायरिंग है इंजन वाली, बिल्कुल सीधी कर रहे हैं इसको। बिल्कुल सीधी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जो इन्होंने जुगाड़ उगाड़ किया है सारा ख़त्म कर रहे हो? जी, सारा ख़त्म करेंगे अभी। सही, माशाल्लाह। इनकी उम्र छोटी है लेकिन इनके काम बड़े हैं। काम में सफाई बहुत है और आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला नवाबशाह में इनका नाम होगा। एक कौन सा ब्रेक वाला? ब्रेक पार्किंग दोनों ख़राब था ना, एक ही तरफ का ना। तो फाइनली गाड़ी की वायरिंग ओके हो गई है सारी, चेक इंजन लाइट भी बंद हो गई है। उसके बाद जो मैं अपना ऑयल की और दूसरी अपना बैटरी वगैरह की लाइट्स वगैरह हैं वो सब ओके हो गई हैं, ठीक है। तो आज का दिन जो था हमारा वो सिर्फ यही वायरिंग की तरफ था, ये हो गया है क्लियर। अब कल हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे बॉडी का काम, जो इसकी टचिंग वगैरह है वो करेंगे, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।